आत्मनिर्भरता की बुलंदियों को छूने में पुरुषों को पछाड़ महिलाएं कर रही है नजीर पेश। पुरुषों के वर्चस्व वाले फर्नीचर निर्माण के धंधे में भी लगाई छलांग। जब अपने आशियाने की बात हो तो भला फर्नीचर की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है। अब तक फर्नीचर निर्माण के क्षेत्र में पुरुषों के वर्चस्व वाला व्यवसाय माना जाता रहा है, किंतु अब चतरा जिले की महिलाएं भी फर्नीचर निर्माण में बढ़ चढ़कर अपनी किस्मत आजमा रही हैं और पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती दे रही हैं। जी हाँ, चतरा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर सिमरिया प्रखंड के नक्सल प्रभावित इचाक खुर्द गांव में अब पुरुषों की जगह महिलाएं लकड़ी के फर्नीचर निर्माण में अपने जौहर दिखाती आपको साफ नजर आएंगी। JSLPS के आजीविका मिशन से जुड़ी गरीबी का दंश झेल रही ये महिलाएं अब अन्य व्यवसाय के अलावे फर्नीचर बनाने के धंधे में भी अपना दम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और अपने हुनर के बलबूते आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही है। फर्नीचर का हम लोग काम कर रहे हैं, 10 महिला मिलकर बनाए चौकी को बेचकर फिर हम लोग आमदनी होने लगा। इसके बाद पलंग लग बनाने, सोफा को बनाए, ड्रेसिंग व्रेसिंग बनाए, सब बेचते गए हैं, बाहर भी माल जाने लगा। पहले बेरोजगार थे, अब रोजगार हो गए हैं, अब इससे हम लोग का मुनाफा होने लगा। इससे हम लोग बाल बच्चा भी बढ़िया पढ़ाते लिखाते हैं, सभी महिला मिलकर मेहनती से काम करते हैं। दूसरी ओर इन महिलाओं द्वारा कभी लकड़ी पर राधा चलाकर तो कभी छेनी व हथौड़ी समेत अन्य औजारों के सहारे लकड़ियां पर तरह तरह के डिजाइन उकेर कर ड्रेसिंग, सोफा, अलमीरा, दरवाजा आदि कई चीजें तैयार कर रही है, जिसकी डिमांड दूर दूर तक फैलने लगी है। JSLPS के आजीविका मिशन से जुड़कर उनकी जिंदगी संवर गई। 10 महिला जुड़ल ही है JSLPS से, 10 मनी कैर के घर परिवार बढ़िया से चलावे थी है और अभी अभी खुश ही है। सगर बाहर बाहर माल जाए थे, सब दहेजी सामान जितना है से सब पूरा नमाज चौकी, ड्रेसिंग, पलंग, गोदरेज, सोफा, टेबल। JSLPS से लेके इसीलिए थोड़े एक चौकी से शुरू के लिए सब महिला मिलके, ओकर बाद एक शुरू पलंग के लिए ओकर से आग गते गते फिर बढ़ा लेंगे। पतियों के लाख मनाही के बावजूद महिलाओं के जुनून तथा जिद थामने की राह तब आसान हो गई जब झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की JSLPS संस्था द्वारा इन्हें मंच प्रदान कर ऋण व परीक्षण मुहैया कराया गया और आजीविका महिलाएं समूह से जुड़ने के बाद इनकी किस्मत बदलने लगी। JSLPS की महिला दीदी लोग के द्वारा जो है उत्साहवर्धक कार्य किया जा रहा है। कुछ दीदी लोग के द्वारा जो है, क्योंकि फर्नीचर जैसे कारीगर जिसमें कि एक्सपर्टाइज की जरूरत है, उन कामों में भी कर रही हैं, उनका काफ़ी डिमांड है। हम आज गए थे, उनके अंदर 5 फर्नीचर बनाया गया है, पलंग जिनका मूल्य 25 से 30 हज़ार के रूप में है और निश्चित रूप से बहुत अच्छी क्वालिटी की है और अच्छा उसका काम हुआ है। मैं सिमरिया की जनता और चतरा की सारी जनता से मेरी अपील है कि उनके सामान को लें और अपना अगर घर में कोई शादी विवाह है तो आप जरूर उनसे फर्नीचर लें ताकि उनका लोगों के मन में अगर काम करने का जज्बा हो तो स्वरोजगार की कोई कमी नहीं। वहीं आज महिलाएं आत्मनिर्भरता की प्रकाष्ठा को छूते हुए पुरुषों के धंधे में भी संदेह लगाकर यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि आर्थिक रूप से सशक्त होने की दिशा में महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। मुखर संवाद के लिए सुरभि वर्मा की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।